आप लोगों को संबोधित करने का कार्य किया और अपने विचारों से आप लोगों को अवगत कराने का काम किया और आप लोगों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं कारणों से न आने का कारण भी आप लोगों को अवगत कराने का काम किया और उन्होंने एक बार नहीं चार चार बार खेल प्रकट करने का काम किया चार क्योंकि वो बहुत ही लगनशील व्यक्ति हैं, लगातार कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने का काम करते हैं, लगातार अपने लोगों का सम्मान करने का कार्य उनके हर प्रकार के कार्य प्रणाली में शामिल रहता है। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर हमारे हाई कैप्टन सुभाष जी, हमारे नई लोकेश प्रजापति जी, हमारे पूर्व विधायक हंसराज जी जो हिमाचल से चलकर के यहाँ पहुंचे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे ओबीसी मोर्चा के हरियाणा के राष्ट्रीय प्रभारी विकास योगी जी, हमारे बहुत ही कर्मठ लगनशील भाई हमारे मनीष योगी जी, राजेश योगी जी, मनोज राज जी, विपिन योगी जी, सुबेदार मेजर साहब विजेंद्र कुमार जी, सुबेदार संजय जी, बाबूराम जी, मांगेराम योगी जी, महिपाल योगी जी, राजू योगी जी, अनुराग योगी जी, संचालन करे हमारे बहुत ही कर्मठ साथी भाई विकास योगी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला सहारनपुर के जिलाध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सैनी जी, हमारे नगर विधानसभा के विधायक भाई भूपेश चौधरी जी, महिपाल सिंह माजरा जी हमारे पूर्व विधायक है, परमा दत्ता जी हमारी लोकसभा कैराना के संयोजक है, आप सभी मंचासीन सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ और अपने सभा में हमारे जनता सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और आसपास के कई जिलों से आने वाले मेरे सभी मेहमान, सभी हमारे सम्मानित साथीगण और योगी समाज से अपने बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदार सम्मानित साथियों आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ क्योंकि अभी आप लोगों के बीच में माननीय केशव जी ने संबोधित करने का काम किया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के विजन को आप लोगों को बताने का काम किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आप लोगों को बताने का काम किया और मैं तो ये मानता हूँ कि आप लोग हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की वाकिफ है, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक कार्य प्रणाली से आप लोग वाकिफ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्य को सिस्टम को आप अच्छी तरीके से समझने वाले लोग हो और आप लोग काम भी करने वाले लोग हो, आपका समाज मैं अच्छे तरीके से भलीभांति परिचित हूँ, मेरा योगी समाज हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहकर के काम करने वाला समाज है और आज माननीय डिप्टी सीएम के न पहुँचने के कारण हमें भी बहुत बड़ा दुख हुआ है, बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन आप लोगों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं, आप लोग कभी भी किसी भी प्रकार से हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम किया जाएगा, चाहे वो लखनऊ का काम हो, चाहे दिल्ली का काम हो, कहीं भी किसी भी स्तर पर जाने की आवश्यकता पड़ेगी, आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर के काम करने की जो जरूरत होगी उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का दो दिन का अधिवेशन अभी दिल्ली में हुआ और दिल्ली के अधिवेशन में पूरे देश के लोगों के सम्मुख माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को लक्ष्य देने का काम किया है, लक्ष्य क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी को 370 पार करने का काम करना है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ एनडीए के दल के सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 470 का लक्ष्य पार करने का काम करना है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष नेतृत्व में ये वादा करने का काम किया है कि हम लोगों ने 400 पार करने का काम करना है और हम एक एक कार्यकर्ता का भी फर्ज बनता है उसमें जरा सभी कोताही न बरते, जरा सभी लापरवाही न बरते, चुनाव बहुत सारे होते जाते रहते हैं लेकिन चुनाव के समय बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता होती है, बड़ा लक्ष्य जब सामने आप लोगों का होता है तो छोटे लक्ष्य को गौर करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, मजबूरी हो जाता है, इसलिए हमारे नेता ने हम लोगों को लक्ष्य देने का काम किया है, उस लक्ष्य को पार करने के लिए हर तरीके से काम करने की आवश्यकता होती है, मैं बहुत लंबी बात न करते हुए आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप लोग बहुत दूर दूर से आए, हर प्रकार का सहयोग देने के लिए लगातार तैयार है, अभी मुनीर जी भावुक हो गए थे, कैप्टन साहब भी भावुक हुए, मैंने इनका गले लगा के बोला
कि आप लोगों ने भावुक होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों ने निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लगातार पूरी पार्टी आप लोगों के सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से जानती भी है, समझती भी है। आप लोगों को जो उचित स्थान मिलना चाहिए उसके लिए हम लोग आप लोगों के साथ आप लोगों का वकील बनकर के खड़ा होने का काम करेंगे। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी नहीं करते हुए आप सभी का हाथों से अभिनंदन करता हूँ और अपने कार्यक्रम आयोजकों को जो इन्होंने अपनी भी इतनी मेहनत करने के बाद आप लोगों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाने का काम किया है, उनको हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।